हेलो दोस्तों, मैं हूं एद भीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 100% आयुर्वेद। और आज जिस पौधे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मरुआ का पौधा। ये देखिए, ये है वो पौधा जिसे इसे मरुआ या बन तुलसी के नाम से जाना जाता है। ये देखने में हूबहू तुलसी के पौधों की तरह ही लगता है। ये बहुत ही बेहतरीन पौधा है। अगर आप इसको अपने घर आंगन में लगाते हैं तो आपके घर या आंगन के आसपास कोई भी जहरीला सांप हो, चाहे कितना भी जहरीला हो, कोबरा हो, करैत हो, कुछ भी, कोई भी जहरीला सांप आपके घर के आसपास नहीं आ सकता और वो आपके घर से दूर ही रहेगा। तो सांपों को भगाने के लिए लोग परेशान रहते हैं, बहुत तरह के उपाय करते हैं, कोई केमिकल घर में रखता है, कुछ भी रखता है। अगर आप ये पौधा केवल अपने घर के आसपास लगा दें तो कोई भी सांप आपके घर के आसपास नहीं आएगा, केवल इसके लगाने मात्र से। ये देखिए पौधा कैसा है। अगर आप शहर में रहते हैं तो नर्सरी वाले से जाके बोलिए कि मुझे मरुआ का पौधा चाहिए, और गांव वाले तो इसे देखे ही होंगे। ये देखने में हूबहू तुलसी के पौधे की तरह ही लगता है, लेकिन इसमें एक बेहतरीन तरह की खुशबू आती है। इसके पत्तों को केवल छूने हिलाने मात्र से आसपास के वातावरण में एक बहुत ही दिव्य खुशबू फैल जाती है, और उसी खुशबू के कारण कोई भी जहरीला सांप इस पौधे के पास नहीं आता है। मैंने इस पौधे को अपने घर में लगभग 3 साल से लगा के रखा है और आज तक मेरे घर में और घर के आसपास कोई भी सांप नहीं आया। मेरे अड़ोस पड़ोस के बगल के घरों में सांप निकल जाते हैं, लेकिन मेरे घर में कोई भी जहरीला सांप या बिच्छू कुछ भी नहीं आता जब से मैंने इस पौधे को लगाया है। तो इस पौधे में एक चमत्कारी गुण है सांपों को भगाने के लिए। तो अगर आप अपने घर को सांप से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस पौधे को अपने घर आंगन में ज़रूर लगाएं। इसके अलावा इसके बहुत से और दिव्य औषधीय गुण हैं। अगर आप किसी के पेट में कीड़े हो तो इसके पत्तों का रस सुबह सुबह खाली पेट पी लेंगे तो आपके पेट के कीड़े मर जाएंगे। अगर किसी को माइग्रेन की समस्या हो तो इसके पत्तों का रस दोनों नाक के छिद्रों में 3-3 बूंद करके डालेंगे तो वो माइग्रेन की समस्या को भी ख़त्म कर देगी। लेकिन सबसे ज़बरदस्त इसका गुण है कि इससे कोई भी जहरीला कीड़ा, कोई भी वायरस, कोई भी सांप, कोई भी जहरीला कुछ भी आपके घर के आसपास नहीं आता है। तो आप अपने घर को सांप या जहरीले किसी वायरस से बचाना चाहते हैं तो इस पौधे को अपने घर आंगन या अपने घर के बाहर ज़रूर लगाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।